नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत शर्मा और आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी की हॉट एक्ट्रेस अंजना सिंह जी। हेलो। जिनको कि आप हॉट केक के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे अंजना जी, कि आपको हॉट केक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं हॉट हूँ इसलिए मुझे हॉट केक बोलते हैं। और इसका सेकेंड ये है कि मेरे प्यारे उदय भगत ने मेरी फर्स्ट न्यूज़ से मेरे हर न्यूज़ के आगे हॉट केक अंजना सिंह लिखना स्टार्ट किया था, तो ये क्रेडिट तो उदय भगत जी को जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उदय भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह की एक्ट्रेस को एक नाम दिया जो कि आज पहचान बनी हुई है। दूसरा ये मेरा सवाल है कि किस तरह के लोगों से आप ये सुनना पसंद करती हैं हॉट केक, ताकि पब्लिक को भी ये मालूम पड़े कि वो अपनी तैयारी उस तरह से पूरी कर लें अगली बार जब आपके सामने आए तो। नहीं नहीं, सभी जो भी मुझे बोलता है प्यार से ही बोलता है, बट अच्छा लगता है। आप तो नहीं बताना चाह रही मगर मैं आपसे अब डायरेक्ट पूछ लेता हूँ जी, कि भोजपुरी फिल्मों में सबसे हॉट हीरो आपको कौन लगता है? नो डाउट, रवि किशन। ओके रवि जी, तो हॉट केक के लिए सबसे हॉट हीरो हैं रवि किशन जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यही सवाल मेरा बॉलीवुड से लेकर हो कि बॉलीवुड की जो इतनी लंबी फेहरिस्त है उनमें से आपको सबसे हॉट कौन लगता है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी सबसे हॉट? यस। तो मतलब जो अभी वो जब स्माइल करते हैं, गॉड सीरियसली आज भी औरों का तो पता नहीं बट मेरा तो आज भी जब वो स्माइल करते हैं, गॉड, वो दांत दबा के जब वो हंसते हैं, तो चेंज द टॉपिक प्लीज। हाँ, नेक्स्ट। ओह माय गॉड। मेरा अगला जो सवाल है वो अंजना जी के लिए है। भोजपुरी की जो सारी हीरोइन है वो बड़ी खाई पी हुई से लगती है, लगता है कि वो बड़ा जिम में मेहनत करती है, अपने डोले सोले बनाती है। बिल्कुल, है ना। कितनी परेशानी होती है किसी हीरो को जब उस तरह के सीन देते हैं कि उनको गोद में उठाना है, क्या है, कभी ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ है? एक्चुअली उन लोगों का टेस्ट होता है कि उनके अंदर कितना स्टेमिना है, कितना वो एनर्जेटिक हैं कि हम लोगों को उठा सके, वो तो इजीली उठा लेते हैं, आदत हो गई अभी वो। अच्छा, तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों सब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, इतना हेल्दी रहते हैं? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार में सब खाए पिए हुए घर के हैं और उनको बॉलीवुड से कोई खास लेना देना नहीं, जहाँ पे बिल्कुल पतली दुबली टाइप की लड़कियां होती हैं, कैटरीना हो, करीना हो, दीपिका हो, तो क्या कहना चाहेंगी, क्या रीजन क्या है? सर, नो डाउट बॉलीवुड से तो हम भोजपुरी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं एक्ट्रेस से, बट हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि हम लोगों को कम समय में बहुत काम करना रहता है, और अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो डेली सेट पे चक्कर खा के गिरेंगे, तो ये उसी का रिजल्ट है। हमें 20 दिन में हमें फिल्म कंप्लीट करनी होती है, हमें 1 दिन में 2 गाने करने होते, 3 गाने करने होते, इतनी कड़ी धूप में हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? सही बात। अब उस पे भी आप लोग नजर लगाएंगे? नहीं, आप लोग ऐसे ही हेल्दी रहिए और दिन ब दिन और हेल्थ अपनी बढ़ाती रहिए। नहीं नहीं, हेल्दी मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं, बट अंदर से भी तो स्ट्रांग होता है। अब वो थोड़ा बहुत शरीर को लग जाता है तो क्या करें। सही बात है। नहीं बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। चलिए, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ अपने, कि अगर अंजना सिंह को किसी एक बॉलीवुड के हीरो से शादी करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? ऑब्वियसली मैं जिनको इतना पसंद करती हूँ, अमिताभ बच्चन जी। अभी तो मैं तो वो शादीशुदा है, बट अगर उनका थोड़ा सा मूड चेंज होगा तो मैं चाहूंगी कि मैं उन्हीं से शादी करूँ। अच्छा। अमित जी से ही शादी करना चाहूंगी। Okay. क्योंकि जो मेरे सपने हैं उनको लेके कुछ नेक इरादे नहीं है मेरे। जया जी थोड़ा सा सावधान रहिए, सॉरी, क्योंकि अंजना जी की नजर अमिताभ जी के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ रही है। बट मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके, मेरा अगला सवाल है कि जो भोजपुरी फिल्मों में अक्सर देखा जाता है, हिंदी फिल्मों में देखा जाता है कि किसिंग सीन बड़े होते हैं, है ना? तो आप ऐसा कौन सा वो हीरो है जिसके साथ सबसे कंफर्टेबल फील करती हैं किसिंग सीन करने में? दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ, ऐसा क्या है जो आपको अलग लगता है बाकी हीरो से? चेंज द क्वेश्चन प्लीज। ओके, तो ये बताना नहीं चाहती है बट इन्होंने कुछ चीजें बता दी हैं। चलिए दिनेश जी, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी फिल्में दी हैं और हमारी अभी फिल्म आ भी रही है। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि अगर मैं एक शब्द में इन लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूं जो भोजपुरी के एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो आप उनको किस शब्द से रिलेट करेंगे? पवन सिंह। दिल से अच्छे हैं। ओके, इन वर्ड वर्ड। ओके, दिनेश लाल यादव निरहुआ। कंप्लीट मैन। ओके, खेसारी लाल यादव। नाइस पर्सनालिटी। ओके, मनोज तिवारी। वेरी माइंडेड एंड बिजनेस बिजनेसमैन, गुड पॉलिटिशियन।
अच्छा गुड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विद खेसारी लाल. ओके अगर एक्ट्रेस की बात करूं जी मधु शर्मा वेरी क्यूट. रानी चटर्जी स्मार्ट गर्ल. संभावना सेठ हॉट. सुभी शर्मा क्लेवर गर्ल. अंजना सिंह हॉट केक. पाखी हेगड़े आउटस्टैंडिंग मतलब शी इज आउटस्टैंडिंग. मोनालिसा सेक्सी. ओके बेस्ट पेयर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री मनोज तिवारी एंड रानी चटर्जी. ओके अगर मैं नंबरिंग की बात करूं मनोज तिवारी एंड रानी चटर्जी को कितने आप मार्क्स देंगे पेयरिंग? 10 out of 10. ओके दिनेश आम्रपाली 10 out of 10. ओके पवन सिंह अंजना सिंह 10 out of 0. 10 out of 0. यस हुआ क्यों? फॉर वन क्वेश्चन वन आंसर ओनली. हाँ ओके ओके मैं याद रखूंगा. पवन सिंह अक्षरा सिंह 10 out of 8. ओके अंजना सिंह खेसारी लाल यादव 10 out of 9. इस इंडस्ट्री में कुछ बेस्ट लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करना चाहें. बेस्ट डायरेक्टर मंजुल ठाकुर. बेस्ट एक्टर दिनेश लाल यादव. बेस्ट एक्ट्रेस रिंकू घोष. बेस्ट प्रोड्यूसर आलोक सिंह. बेस्ट बैनर याशी फिल्म्स. चलिए अभय जी आप खुश हो जाइए अंजना सिंह ने आपके बैनर को प्रमोट कर दिया है. तो बेस्ट प्रोड्यूसर अभय सिंह ना नहीं है? हाँ नहीं है. क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं जल्दी. ये शिकायत आपकी अब तक पहुंच जाएगी और जल्दी वो. अच्छा चलिए अंजना सिंह को अगर कहीं बाहर घूमने के लिए जो मौका मिले तो सबसे आपकी प्यारी जगह या सबसे फेवरेट जगह कौन सी ऐसी होगी जहाँ पे? आई एम अ वेरी स्पोर्टी गर्ल. आई लव टू गो टू केप टाउन. और केप टाउन अभी तक मैं गई नहीं हूँ. मैं वहीं जाना पसंद करूँगी क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स है करने के लिए. ओके और आपका बेस्ट को पार्टनर कौन होगा? डिपेंड उस टाइम पे कौन होगा. तो आप कुछ भी बच्चों को या पब्लिक को नहीं बताएंगी? फोटोज पोस्ट करूँगी. चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अंजना जी. थैंक यू. और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली सारी फिल्में इसी तरह से सुपर डुपर हिट होती रहें. और आपको जो एक खिताब मिला है हॉट केक का ये बराबर बरकरार रहे. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. प्लैनेट भोजपुरी.